गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज फिर उसी ऊर्जा के साथ अगले वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीटी 365 में ये हमारा तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में हमने परियोजनाओं पर चर्चाएं की थी, जितने भी सरकार की योजनाएं थी। दूसरे वीडियो में हमने पीटी 365 इकोनॉमिक्स को कवर किया है, जो कि बहुत रेयरली मिलेगा। YouTube चैनलों पर जी भर कर पड़ा हुआ है पॉलिटी और हिस्ट्री, मुश्किल से दो विषय मिलते हैं, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी। ढूंढना पड़ता है इन साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस को, और उसमें भी एक बेहतर वीडियो की खोज सबके लिए हमेशा ही YouTube पर एक स्वप्न रहता है। एक बेहतरीन पीटी 365 की क्लास तैयार है, आप लोग बने रहिएगा। दो घंटे तक साइंस टेक्नोलॉजी में हम कवर करेंगे बेसिक और करंट का कंप्लीट प्रिपरेशन। तो शुभारंभ करते हैं। क्या सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ हैं? एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की ऊर्जाओं में अभी कमी आई होगी, पर बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि अभी रात में 10 बजे एक और क्लास होगी जिसमें हम जिक्र करेंगे जो मार्कशीट आ चुकी है और स्ट्रेटजी पर भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए शुरुआत करते हैं। सभी का भरपूर स्वागत है। बिना किसी देरी के संक्षिप्त में मैं आपको फिर याद दिला दूं कि एग्जाम रस है जिस पर एक्सक्लूसिवली चल रहा है कदम कदम बढ़ाए जा। आरंभ है प्रचंड की सीरीज, अपनी तैयारी शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। अनअकैडमी ने ऑल इंडिया सेकंड रैंक रिजल्ट दिया है इस बार। लगभग टॉप 20 में 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है। 20 स्टूडेंट 100 रैंक तक में सेलेक्ट हुए हैं। ओवरऑल 169 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा प्लेटफॉर्म शायद आपको ऑनलाइन में, शायद मतलब मैं कह सकता हूं, ऐसे गारंटेड कहीं नहीं है। पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, एवलेट टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर सेशन, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चरर कोर्स। सबसे एक्सक्लूसिव फीचर रेज हैंड, आप डायरेक्टली टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का ऑप्शन आपको दिया जाता है। ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन आप एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करना है, महत्वपूर्ण है। जब भी आपके आसपास में कोई भी परिचय वाला विद्यार्थी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले तो उन्हें एमके लाइव रिफर कोड जरूर सूचित करिए। 6 अक्टूबर 18 अक्टूबर से नए बैच बन रहे हैं और एक्सक्लूसिव हमारा बैच आ रहा है 22 अक्टूबर से, फाउंडेशन कोर्स, एक अद्भुत नए तरीके से। और इस अद्भुत नए तरीके में मैं बता दूं कि मैंने एक नई स्ट्रेटजी के तहत क्लासेस की शुरुआत करने का प्लान किया है। हर विषय में मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं, शुरुआत के 4-5 दिन तक केवल उस विषय की शब्दावली, उस विषय के फंडामेंटल्स, उस विषय का बेसिक बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, मैं कह सकता हूं कि पिलाया जाए, और फिर आप जितना एडवांस चाहे पढ़ा दीजिए, बच्चा सब समझ जाएगा। इसी स्ट्रेटजी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। आज रात 10 बजे टॉपर के मार्क्स और हिंदी माध्यम की स्ट्रेटजी हम लेकर आएंगे आज रात 10 बजे। क्या क्या कवर करने वाले हैं 365 साइंस टेक्नोलॉजी में? तो डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक, ये काफी लंबे समय से अभी भी पास नहीं हो पाया है। मैसेंजर आरएनए टीका, गेहूं की जीएम फसल की प्लानिंग चल रही है। इंडीजेन कार्यक्रम, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, नैनो तरल यूरिया, राष्ट्रीय नैनो मिशन, पेटेंट पुलिंग, 5G टेक्नोलॉजी, D10 क्लब, नेरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डार्क नेट, डीप वेब, सरफेस वेब, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, आर्ट पार्क, रियल मैंगो, नैनो स्नीफर, पीएम वानी, नेट ग्रिड, मिशन होप प्रोब, उगाकू,
निसार, चैप प्रौद्योगिकी, डाटा 22, तियानमेन 1, आयरन डोम, वाइपर रोवर, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक, एमबी टैग, स्वास्तिक, चीप ऑफ टेक्निक, चीप ऑफ तकनीक, चीन का कृत्रिम सूर्य, विश्व का पहला कमर्शियल सैटेलाइट, यूटेल सेट क्वांटम, डेल्टा और कप्पा, स्पाग 9 ट्रेडमार्क, अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति 2020, इंट्रिंसिक, रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, स्मार्ट सिस्टम, शौर्य मिसाइल, अस्त्र S-400 ट्रंप एयर डिफेंस सिस्टम, IRNS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में मान्यता, अग्नि प्राइम मिसाइल, लैंडसैट 9, इम्प्रिंट प्रोग्राम, गगनयान, चंद्रयान 2, पर्सिवरेंस रोवर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, भारत को राफेल विमानों की डिलीवरी और बहुत कुछ। एक ही क्लास पूरा साइंस टेक्नोलॉजी बेसिक भी कवर करते चलूंगा, जहां जहां पर जिस तरीके का बेसिक आएगा वो सारी बातें समझाते चलूंगा, ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो। दो बार क्लास देखने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक अभी देख लेना और एक 8 तारीख को फिर से देखना। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी की जो मैं क्लास 365 लेने वाला हूं, जो दो अधिनियम वाली होगी, योजना वाली, वो एक बार भी ले ली तो चलेगा, लेकिन इन क्लासेस को एटलीस्ट 2 बार जरूर देखकर जाना। और जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला भी हो जाएगा और ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला भी हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक्सक्लूसिवली आप जानते हैं कि आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि एक बेटर एजुकेटर इन दोनों ही चीजों के लिए मुश्किल से मिलते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर, डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक 2019, डीएनए टेक्नोलॉजी विधेयक 2019। वर्तमान में हमारे देश में डीएनए टेस्ट होता है, हैदराबाद में डॉक्टर लाल पैथोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंट आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, यह डीएनए फिंगरप्रिंट एक तरीके से यूनिक कैरेक्टर होता है किसी भी व्यक्ति में, और यह व्यक्ति की पहचान का बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। कई सारे आपराधिक मामलों में डीएनए की जांच बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति को एक आइडेंटिफाई करने में आसानी करती है। बहुत सारे चीजें इससे जुड़ी हुई है। डीएनए फिंगरप्रिंट एलिस जेफर विश्व में इन्होंने खोजा था, भारत में इस इनकी प्रयोगशाला से डॉक्टर लाल सीख कर आए और अपने देश में हैदराबाद में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में इस टेस्ट की शुरुआत की। पर अभी तक इस टेस्ट में निजता का मामला अगर किसी का हनन होता हो तो किसको दंड दिया जाएगा, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, डीएनए टेस्ट को किस तरीके से देश में चलाया जाना चाहिए, उसके क्या नियम होने चाहिए, कौन से कानून वहां लागू होंगे, ये सारी बातें अभी बची हुई है। तो अभी ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और उसके लिए जरूरी है कि भारत में संसद के द्वारा इसके लिए कानून बनना चाहिए कि डीएनए टेस्ट होने के बाद व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, जो अपराधी होगा उसके डीएनए टेस्ट की अनुमति कैसे मिलेगी, सारी प्रक्रियाएं क्या रहेगी, इस पर एक स्पष्ट विवरण होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार इस विधेयक को पारित करना चाहती है। वैसे ये विधेयक 2003 से ही आ रहा है, पारित नहीं हो पा रहा है। गुमशुदा व्यक्तियों, पीड़ितों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग से यह संबंधित है। प्रस्तावित कानून बनाने की प्रक्रिया 2003 से चल रही है, लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में प्रत्येक बार लंबित हो जाता है। प्रमुख प्रावधान, देश की न्याय प्रणाली को सहायता और मजबूती प्रदान करने के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग का विस्तार और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम न्याय प्रणाली में और तीव्रता लाने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक इससे बनाए जा सकेंगे,
ताकि जिनके भी डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाएगा तो उसका एक स्टोरेज बनाना होगा, एक बैंक जैसी संस्था होगी जहां डीएनए की सारी जानकारी जमा होगी, जैसे रुपयों का बैंक होता है, जैसे जीन का बैंक होता है, जैसे कि स्टेम सेल का बैंक होता है, प्लाज्मा बैंक बन गए थे, वैसा ही ये डीएनए बैंक बनाया जाएगा इस कानून से। जब ये कानून पारित होगा तो किसी व्यक्ति के डीएनए सैंपल इकट्ठा करने के लिए उससे लिखित अनुमति की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण विश्लेषण आदि करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी अपराध के लिए अगर इसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति तो 7 वर्ष से अधिक की सजा या मृत्युदंड पाने वाले व्यक्तियों के सैंपल इकट्ठा करने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी में अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराधी है जिसको 7 साल की सजा या उससे ज्यादा मृत्युदंड तक की सजा दी गई है उसमें उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विरोध में कई लोगों का कहना है कि इससे निजता और गोपनीयता का उल्लंघन होगा, जटिल आपराधिक जांच हो सकती है। वर्तमान में देश में सक्रिय प्रयोगशाला की सफलता की दर केवल 3% है, मतलब बहुत ही धीमा प्रोसेस है। जाति आधारित प्रोफाइल का दुरुपयोग भी हो सकता है क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि ये किस जाति के व्यक्ति का डीएनए है, क्योंकि डीएनए से पूरे समुदाय की भी पहचान हो पाती है। तो याद रखिएगा कि डीएनए कानून डीएनए फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की पहचान का बेहतर तरीका है। इस दुनिया में किसी का भी डीएनए सेम नहीं हो सकता है, केवल जुड़वा, जो भी ऐसे जुड़वा जो हमशक्ल होते हैं केवल उनका डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। ये किसी गंदी किताब ने अगर कुछ भी लिखा हो तो मानना मत, ये अंतिम वाक्य बता रहा हूं, केवल हमशक्ल जुड़वा का डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होगा, बाकी दुनिया में किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली सेम नहीं आ सकता है। तो ये कानून बहुत जरूरी है भारत के लिए, लेकिन लंबे समय से राज्यसभा में लंबित है इसलिए अभी तक विधेयक है। फिर है mRNA टीका। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते चलिएगा, mRNA टीका का मतलब क्या होता है, ताकि मैं आप लोगों तक कंसेप्ट भी पहुंचा सकूं। देखो क्या होता है कि कोई भी टीका जब बनाया जाता है तो वास्तविक रूप में टीका मतलब क्या है, एक तरीके का छद्म वायरस है, कमजोर वायरस है या फिर डेड वायरस है, कई टाइप के टीके होते हैं। तो क्या होता है टीके में कि हम एक तरीके से शरीर को छद्म वायरस, आभासी वायरस, या मतलब आभासी वायरस का प्रोडक्ट प्रोटीन होता है, या फिर कई प्रकार के कमजोर वायरस होते हैं, उसको किसी शरीर में डाल देते हैं तो शरीर उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, और उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया तो एक तरीके से इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। अब उसका जीवित व्यक्ति अगर आ भी जाएगा तो हमारा शरीर उससे लड़ पाता है। जनरली हम वैक्सीन में प्रोटीन का उपयोग करते हैं, क्या किसका उपयोग करते हैं वैक्सीन में, वायरस के प्रोटीन का उपयोग करते हैं, और वो प्रोटीन हमारे बॉडी में एक तरीके से आभासी वायरस का इमेजिनेशन करा देते हैं और हमारी बॉडी तैयार हो जाती है लड़ने के लिए। आप लोगों ने थोड़ा साइंस अगर पढ़ाओ ना पढ़ाओ तो याद रखना कि किसी भी सेल में प्रोटीन ऐसे बनता है, डीएनए से पहले एक जानकारी के तहत mRNA का निर्माण होता है और एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जनरली हम वायरस का ये प्रोटीन कलेक्ट कर लेते हैं और इसी को वैक्सीन के रूप में दे देते हैं। अब एक ऐसी वैक्सीन बनाई जा रही जो mRNA की होगी, तो mRNA की वैक्सीन का बेनिफिट क्या होगा कि हमारी बॉडी में mRNA से जब प्रोटीन अंदर बनेगा तो उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन बाहर से नहीं आया है, वो प्रोटीन बॉडी के अंदर ही बना है, और उसके खिलाफ बॉडी जब लड़ेगी तो कहीं से कहां तक वह वैक्सीन साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं करती है। तो ये पहला ऐसा एक तरीके से वैक्सीन है जो mRNA से बनाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। डीएनए से mRNA की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, अनुलिपिकरण हिंदी में, और हिंदी में अनुलेखन, अनुलेखन की प्रक्रिया कहते हैं इसे। हाल ही में जिनोवा बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पुणे के द्वारा HGCO19 नामक स्वदेशी mRNA टीका विकसित किया है। स्वदेशी mRNA टीके के मानव परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी है।
टीके शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन को पहचानने और उन पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। पारंपरिक टीके रोग उत्पन्न करने वाले वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शरीर में टीके के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। mRNA टीका वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक तरीका का बहुत अच्छा टीका होगा ये, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। mRNA टीके को सुरक्षित माना जाता है। mRNA टीके पूरी तरह से सिंथेटिक है, किसी जीव की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो mRNA टीके की शुरुआत हुई है, याद रखना mRNA टीका किसने बनाया है और mRNA टीका का मतलब क्या होता है, थोड़ी बेसिक जानकारी जरूर रखना, घबराना नहीं। फिर गेहूं की जीएम फसल, जीएम शब्द कहीं पर भी आ जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, और जीएमसी का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, क्रॉप भी कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल भी कह सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गेहूं में RHT14 और RHT18 नामक दो जीन की मैपिंग की है। देखो, जीन की मैपिंग का मतलब कि उस गेहूं की सेल में कोई पर्टिकुलर जीन के बारे में आइडिया निकाल दिया है कि वो जीन करता क्या है, उसका काम क्या है। या थोड़ा सा मैं आपको बेसिक क्लियर कर दूं, वास्तविक रूप में हमारी बॉडी, जैसे एक प्रश्न आता है हिंदी बॉलीवुड की मूवीज में कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो उसका उत्तर है क्योंकि आपका जीन ऐसा है इसलिए आप ऐसे हैं। कोई भी व्यक्ति गोरा है, काला है, नाटा है, ऊंचा है, या फिर किसी भी प्रकार के उसके शरीर की आकृति है, उस सब के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन। अगर हम जीन की स्टडी कर ले तो हम बता सकते हैं कि यह जीन क्या काम करता है और ये किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो गेहूं में अगर इन जीनों का अध्ययन हो जाए या हो चुका है तो इससे हम ऐसे गेहूं बना सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने 24 फसलों के आयात के संबंध में निर्देश जारी किया। अब इसी के साथ एक महत्वपूर्ण खबर भी है, हमारे देश में जो खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI है, इसने 24 फसलों के आयात करने की अनुमति दी है। लेकिन जो भी विदेशों से फसल आयात करेंगे, ये 24 उत्पाद आयात करेंगे, तो उन्हें हिदायत दी है कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड मत आयात कर लेना, क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न में जेनेटिकल मॉडिफाइड की अभी भी अनुमति नहीं है। सेब, मक्का, बैगन, गेहूं, तरबूज, अनानास, पपीता, आलू बुखार, आलू, चावल, सोयाबीन, चुकंदर, गन्ना, टमाटर, मीठी काली मिर्च इत्यादि 24 फसलें हैं। जेनेटिक फसलों के लिए हमारे देश में दो कानून हैं, एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत, ये 86 है वैसे, 86 के तहत, और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत। दो कानून के तहत हमारे देश में, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का रेगुलेशन किन कानूनों के माध्यम से किया जाता है, तो पर्यावरण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य मानक वाला है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, उसके तहत इसका पूरा रेगुलेशन होता है। हमारे देश में किसी भी फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बाद वह किसानों के द्वारा बोई जा सकती है या नहीं, इसकी अनुमति दी जाती है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जिसका नाम मैंने आपको कई बार बताया है, GEAC, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। थोड़ा ध्यान से सुनना, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं बनाई गई है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं बनाई गई है, पर्यावरण के अंतर्गत बनाई गई है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का नुकसान पर्यावरण को झेलना पड़ सकता है। अनुवांशिक रूपांतरित चीजें अगर सामान्य प्राकृतिक चीजों में प्रवेश कर जाए तो बीमारियों का कारक बन सकती है, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमताएं नहीं आ सकती है। इसका मेन काम होता है
सूक्ष्म जीव संबंधी गतिविधियों का रेगुलेशन करना, रिसर्च करना कि भाई जो भी लोग जेनेटिकली मोडिफिकेशन में काम कर रहे हैं उनके नियम क्या रहेंगे, उनको मान्यता देनी है कि नहीं देनी है। जीएम फसलों के संबंध में यही समिति अंतिम अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है, अंतिम स्वीकृति। इसने जेनेटिकली मोडिफाइड सरसों की अनुमति दी थी, लेकिन जब विरोध हुआ तो सरकार ने आदेश पारित करके जीएम सरसों को रद्द किया था, पर इसने अनुमति दे दी थी। तो अंतिम फैसला तो ऐसे इसका होता है। समिति का प्रमुख कार्य सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की तकनीक के प्रयोग से पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, जबकि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्राधिकरण नियंत्रण करता है, जबकि पर्यावरण के मामले में ये ध्यान देता है, जबकि जो भारत का खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है वो देखता है कि इसके कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है अभी आया बना नहीं है, अभी तो उसके केवल दो जीन के बारे में जानकारी पता चली है, जल्द ही बन जाएगा उसके बाद फिर। तो इसके लिए वैसे भारत में खाद्यान्न में जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों की अनुमति नहीं है, हमारे यहाँ बीटी कॉटन है, हमारे यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर आ चुका है, लेकिन हमने अभी तक खाद्यान्न में किसी जेनेटिकल मॉडिफाइड को अनुमति नहीं दी है। जेनेटिकल मॉडिफाइड में एक और चीज बता दूं कि एक प्रोटोकॉल है, आप लोगों को याद होना चाहिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जिसमें इसी बात के बारे में चर्चाएं की गई हैं कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहता है कि कोई भी देश कोई दूसरे देश को जब सामान बेचेगा जेनेटिकल मॉडिफाइड तो उसकी पूरी सूचना देगा कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के तहत ही विश्व के सभी देशों को जिन्होंने वो प्रोटोकॉल साइन किया है अपने देश के एक्सपोर्ट में ये सारी जानकारी देनी पड़ती है कि अगर वो जेनेटिकल मॉडिफाइड हो तो। फिर कार्यक्रम है इंडीजेन, इंडीजेन 2020 में प्रारंभ किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा, CSIR के द्वारा, CSIR के द्वारा भारत के विभिन्न नृजातीय समूह। भारत का विभिन्न नृजातीय समूह क्या होता है भाई? भारत में कई प्रकार की मानव प्रजातियां मिलती है, मंगोलाइड भी हैं, आर्यन भी हैं, द्रविडियन भी हैं, तिब्बतन भी हैं, या फिर निग्रोइड भी हैं। तो भारत में जितने भी प्रकार की मनुष्य की प्रजातियां मिलती हैं उन लोगों के डीएनए को कलेक्ट करके उन पर पूरा रिसर्च करना ताकि उनसे जुड़ी हुई बीमारियां, उनके प्रतिरोधक क्षमता, उनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 व्यक्तियों के जीनोम अनुक्रम को तैयार करना, 1000 लोगों का चुनाव किया जाएगा, ऐसे अनुवांशिक रोगों से संबंधित चिकित्सकीय अध्ययन किया जा सके और रोग वाहन कारकों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही इससे जनसंख्या के संबंध में अनुवांशिक विविधता को समझने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत का सबसे बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी भी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है भाई, पहले तो जीनोम समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में जब कोई भी सेल आप देखोगे तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 23 जोड़ी, क्योंकि जोड़ी क्यों कहते हैं, एक मदर से आया है एक फादर से आया है। तो इस 23 जोड़ी में से कोई एक पूरा ग्रुप, 23 का समूह, क्योंकि 23 के दो समूह है इसमें, 23 जोड़ी मतलब 23 के समूह है, तो इस 23 को हम कहते हैं जीनोम। मतलब किसी भी जीव में जनरली कोशिका के अंदर गुणसूत्रों के दो सेट होते हैं तो उसे 2n कहते हैं। तो 2n में से अगर n की बात करें तो n शब्द को कहा जाता है जीनोम। किसी भी जीव में गुणसूत्रों के एकल सेट को जीनोम नाम से संबोधित किया जाता है, और जीनोम सीक्वेंसिंग वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति के समस्त प्रकार के जीनों को पहचानना और अध्ययन करने से जुड़ा हुआ है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वैश्विक स्तर पर चलाया गया था, हम भारतीय स्तर पर इस तरीके का छोटा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें 1000 लोगों के डीएनए की टेस्टिंग होगी। इसी रूप में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2020 में प्रारंभ भारत की अनुवांशिक विविधता के निर्धारण की दिशा में पहला प्रयास।
परियोजना में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और आईआईटी सहित लगभग 20 इंस्टीट्यूट शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र परियोजना का नोडल कार्यालय है। परियोजना के पहले चरण में देश भर से 10,000 लोगों के नमूनों को एकत्रित किया जाएगा और उनका डीएनए परीक्षण होगा। तो 1,000 लोग जो चुने जा रहे हैं इंडिजेन, वो अलग अलग प्रजाति होगी, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, निग्रोइड, आर्यन, तिब्बतियन, इस तरीके के। और ये जो 10,000 है, 10,000 लोगों को केवल कोई भी 10,000 लोग, ताकि हमें पता चले कि भारत में आए हुए ये लोग ओरिजिनली विश्व में किन लोगों से ज्यादा नजदीक हैं, ताकि हमें पता चले कि भारत में लोग कहां से आए या भारत से लोग कहां गए, तो मानव के इतिहास को समझने में काफी मदद मिलेगी। फिर जो काफी ज्यादा चर्चा में था, नैनो तरल यूरिया, और इसका निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि भारत की सार्वजनिक कंपनी इफको ने किया है। इफको नैनो यूरिया तरल दुनिया के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया तरल, नैनो यूरिया तरल भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा नैनो तकनीक पर आधारित विश्व का पहला तरल यूरिया उत्पाद निर्मित, वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का पहला फर्टिलाइजर है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम यूरिया की जरूरत पड़ेगी, कम मात्रा में फसलों के लिए ज्यादा पोषण दे पाएगा, इससे उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, किसानों का कम आर्थिक दबाव, कैसे, किसान को कम फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारा यूरिया हमारे मिट्टी को खराब कर देता है, बह जाए तो पानी के अंदर यूट्रिफिकेशन कर देता है, तो एक तरीके से पर्यावरण के लिए काफी लाभदायक, पर्यावरण और मृदा की गुणवत्ता का संरक्षण होगा। तो आपने इफको नैनो यूरिया का अगर ये चित्र देखा हो, पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया, किसानों की आय में सुनिश्चित वृद्धि होगी, फसल उपज को ये बढ़ा देगा, पारंपरिक यूरिया से ये काफी सस्ता पड़ेगा, पौधों के पोषण में सहयोगी है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, लागत कम करने में भी यह सहायक होगा, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज फार्मर इनकम। तो नैनो यूरिया भारत के इफको द्वारा तैयार किया गया है। अगला आते हैं राष्ट्रीय नैनो मिशन। वैसे राष्ट्रीय नैनो मिशन बहुत पुराना है, लेकिन ये चर्चा में रहता इसलिए है क्योंकि जैसे प्रोडक्ट आप सामने आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय नैनो मिशन 2007 में शुरू हो किया गया था। वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कार्यान्वित बुनियादी अनुसंधान और ढांचे का विकास, मतलब नैनो प्रयोगशालाएं बनाना, नैनो लेबोरेटरी तैयार करना जहां नैनो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें मानव संसाधन को तैयार करना, इसमें डिग्री उपलब्ध कराना, इसमें एजुकेशन देना बच्चों को, तो ये सारा कुछ इस मिशन के तहत सोचा गया था। किसी को पता है जरा कमेंट्स करना, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित कराने का श्रेय किन्हें जाता है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी को एक तरीके से पूरी तरह से भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत ही बढ़िया। पहला आंसर कोमल ने दिया है, सी एन राव। याद रखिएगा, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी लाने का काम सी एन राव ने किया था। 2007 में इन्हीं की अध्यक्षता में नैनो मिशन शुरू हुआ था। फिर अगला है पेटेंट पुलिंग। पेटेंट पुलिंग क्या है भाई? कोरोना जैसी महामारी में, क्योंकि पेटेंट भी जरूरी है, पेटेंट इसलिए जरूरी क्योंकि जो वैज्ञानिक, जो भी संस्थान इतनी मेहनत करके वैक्सीन बनाए और दवाइयां बनाए तो उसको उसके अधिकार और उस पर उसको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक महामारी भी है, मानव कल्याण सबसे अंतिम लक्ष्य ही है हमारा, या हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण लक्ष्य मानव कल्याण ही है। तो पेटेंट पुलिंग क्या होता है कि जैसे दो लोग मिलकर खाना बांट कर खा लेते हैं, दो से तीन लोग मिलकर बचत चीजें करने के लिए शेयरिंग करते हैं, तो वैसे पेटेंट पूलिंग इसमें दो से तीन लोग समझौता करते हैं कि हमारे देश में अगर बना तो हम आपको भी देंगे,
एक तरीके से पुलिंग मतलब समझौता सहयोग करना है, बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक पेटेंट मालिकों के मध्य एक दूसरे को या किसी तीसरे पक्ष को अपने पेटेंट का लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया जाने वाला समझौता। कोरोना वैक्सीन के संबंध में पेटेंट पुल काफी चर्चा में रहा था। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट पुलिंग के लिए कोई दृढ़ निर्देश है ही नहीं। हमारे देश का ये कानून इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले पुलिंग उम्मीद ही नहीं थी, किसी को लगता ही नहीं था कि पेटेंट भी साझे करने पड़ सकते हैं। कोरोना ने क्या क्या नहीं सिखाया, तो कोरोना ने यह भी सिखाया कि पेटेंट साझे भी करने पड़ सकते हैं। तो अभी तक वैसे हमारा पेटेंट जो कानून है उस कानून में इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ जो पुलिंग होता है वो हमने भी करा है। फिर है 5G टेक्नोलॉजी, 1G 2G ये जनरेशन है। जैसे पहली जनरेशन के जो मोबाइल थे केवल कॉलिंग थे, सेकंड जनरेशन के जो मोबाइल थे उसमें SMS भी आ गया, थर्ड जनरेशन के जो मोबाइल थे उसमें MMS भी आ गए, फोर्थ जनरेशन में वीडियो कॉलिंग आ गई, अब फिफ्थ जनरेशन में हम चाहते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से लगभग सभी प्रकार की सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी शायद इस बात को अनुभव कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखना कितनी बढ़ गई है। आप गूगल पर क्या करना, प्राय सर्च करना कि इंडियन मान लीजिए ज्योग्राफी आप सर्च कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी जैसे आपने सर्च किया तो अब गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही आप केवल डालेंगे अब इंडियन फिजिकल तो अपने आप वो बता देगा कि फिर आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक ही वो बता देगा कि फिर आप इंडियन फिजिकल मैप की बात कर रहे होंगे या इंडियन फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आप गूगल में देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट को आप सर्च कर रहे होंगे अगर अगली बार फिर उससे जुड़ा हुआ कोई पॉइंट सर्च कर रहे होंगे तो अपने आप बताने लग जाता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। 5G टेक्नोलॉजी, हाल ही में रिलायंस ने इस वर्ष के अंत तक पहली बार 5G तकनीक को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो हमारे देश में 5G लाने का काम कौन सोच रहा है, रिलायंस। वैसे तो 2 साल पहले BSNL बोल गया था कि मैं लेकर आऊंगा 5G, पता नहीं बेचारा कहां गायब है। उल्लेखनीय कि वैश्विक स्तर पर दक्षिण कोरिया और अमेरिका पहले देश है जिन्होंने 2019 में 5G तकनीक को लॉन्च किया था। 1G अगर आप लोगों ने सुना होगा तो केवल वॉइस सर्विस होती थी, इसमें SMS की भी सर्विसेज आ गई थी और यहां दो टाइप के मोबाइल शुरू हो गए थे, GSM और CDMA, फिर ये खत्म हो गया और फिर थर्ड जनरेशन आ गया जिसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड में आने लगे। पहली बार मोबाइल ब्रॉडबैंड वही वर्ड यूज करिएगा जहां पर इंटरनेट की स्पीड 512 KBPS होती है। अगर इंटरनेट की स्पीड 512 या उससे ज्यादा है तो उसके लिए ब्रॉडबैंड वर्ड यूज किया जाता है, जो कि 3G में आया। 4G जो था वह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड था, जहां स्पीड आपको 100 MBPS तक की वादा किया गया था। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन जिसमें मैसेजिंग की बात आई थी, थर्ड जनरेशन में मोबाइल डाटा की बात आने लगी, फिर फोर्थ जनरेशन तो पूरी तरह से मोबाइल डाटा बेस्ड थी। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी जनरेशन का डेवलपमेंट कब हुआ, 1G कब आई, 2G कब आई, 2 या 2.5 भी कहते हैं, 3G, जैसे ये 2G आया 1980 में, 2.5 आया 1999 में, 3G आया 1990 में, 3.5 आया 2002 में, 4G 2000 में भारत में 2010 में आया था, 5G भारत में अभी उम्मीद है कि जल्द ही आने वाला है। देखना इसमें स्पीड 2 KBPS की, वैसे तो कोई था नहीं स्पीड, लेकिन होती है इतनी स्पीड अगर आज हम चेक करें तो। 3G में 2 MBPS तक की स्पीड का वादा है और आज हम 4G यूज करते हैं उसमें 100 MBPS मिनिमम का वादा होता है, 100 MBPS, 100 पर आप भी जानते हैं कि हमारे देश में इस समय तो स्थिति ये है कि घर के अंदर फोन नहीं उठा पा रहे हम लोग। ये सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल पीछे चले गए हम लोग। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा घर के अंदर कवरेज ही नहीं आ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है बातचीत करने के लिए,
इंटरनेट तो बहुत दूर की सिचुएशन है, बहुत अद्भुत से दौर में गुजर गए हम लोग। और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, तुम कोई भी मोबाइल लेकर आ जाओ, तुम आईफोन ले लो, तुम आईफोन का सबसे लेटेस्ट वर्जन ले लो, लेकिन कवरेज तो आने वाला ही नहीं है। स्थितियां बड़ी दयनीय है भाई, सभी जगह पर मुझे जितना लग रहा है। 100 Mbps का वादा किया था, शायद 5 Mbps भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। 5G में जो स्पीड होगी ना 1 Gbps की होगी, 1 Gbps। मतलब अगर मूवी की बात करें तो मूवी 4 GB की होती है, बहुत अच्छी क्लियरिटी वाली HD मूवी, तो आप क्लिक करेंगे और 4 सेकंड में मूवी डाउनलोड। इमेजिन करिए वो स्पीड, जब 1 Gbps की स्पीड मिलेगी वो 5वीं जनरेशन की कहलाएगी। तो स्पीड में इंक्रीजमेंट आ जाता है, जनरेशन में कई सारी सुविधाएं बढ़ने लग जाती है, जैसे 3G में ब्रॉडबैंड की सुविधा आई थी, 3G में वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं आने लग गई थी। तो वैसे ही हम बात कर सकते हैं कि फिर आगे और चीजें होती चली जाएगी। तो आने वाले टाइम में 5G हमारे लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में आएगा। तो वैसा ही एक शब्द है D10 क्लब, थोड़ा ध्यान से सुनना। डी का मतलब डिजिटल, यह 10 लोकतांत्रिक देशों की, शब्द पर गौर करना, 10 लोकतांत्रिक, तो क्या इसमें चीन आएगा क्या? D10 डिजिटल 10, 10 लोकतांत्रिक। वैसे D20 का भी एक ग्रुप है, मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। D10 डिजिटल 10, 10 लोकतांत्रिक, तो चीन उसमें नहीं आएगा। और डिजिटल 20 एक्चुअली ये 20 उन देशों का समूह है जो विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट उपभोक्ताओं को रखते हैं। यही D20 20 देशों का यह जो समूह है, यही पूरे इंटरनेट के प्रोटोकॉल और इंटरनेट के रेगुलेशन को मेंटेन करने का, नियमन करने का काम करता है। इंटरनेट के प्रोटोकॉल कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से, जैसे आपको पता होगा कि आप वेबसाइट में देखते होंगे तो वेबसाइट में किस प्रकार के वेबसाइट बनाए जाएंगे, डोमेन नेम क्या रखे जाएंगे, इसका नियमन करता है, तो D20 करता है। अब D10 के बारे में सुन लीजिए, D10 केवल 10 लोकतांत्रिक देशों का समूह है। 5G क्लब बनाने की एक पहल है जो अभी विचाराधीन है, अभी बना नहीं है। इस क्लब में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत सम्मिलित हो सकते हैं। यह देश मिलकर अपने यहाँ 5G तकनीक के विकास के संबंध में आपसी सहयोग की रणनीति पर कार्य करेंगे। तो D10 बन सकता है, D20 भी है जो इंटरनेट के नियमों का पूरी तरह से, इंटरनेट नियम मतलब जो भी डोमेन नेम होते हैं उन पर वो काम करता है। वैसे इंटरनेट अनियंत्रित है, इसको कोई भी सत्ता कंट्रोल नहीं करती है, पर इंटरनेट में जो भी वेब ब्राउजर्स होते हैं, जो भी उपयोग करने वाली चीजें होती है, उसके नियम बनाए जाते हैं। फिर है नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैं आपको समझाऊंगा। आज एक पैराग्राफ जो UPSC ने दिया था अपने प्रश्न में CSET में, मैं उसी से आपको बताऊंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। पहले नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स खबर पर गौर करते हैं। भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड BSNL ने विश्व के पहले BSNL ने विश्व के पहले नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को विकसित करने की घोषणा की है। यह नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सैटेलाइट पर आधारित होगा। इस नेटवर्क को SkyLoTech इंडिया नामक कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा। SkyLoTech इंडिया, इस नेटवर्क के माध्यम से कई गतिविधियों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है सारी सुविधाएं हमें इंटरनेट से प्राप्त होती हैं। इससे कम कीमत पर बेहतर चीजें मिलेगी, बैटरी की लाइफ अच्छी होगी, बहुत अच्छा कवरेज बढ़ पाएगा। तो अभी BSNL प्लानिंग कर रहा है नैरो बैंड वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, मैं आपको एक ये चित्र फिर समझाऊंगा, ये चित्र भी हम समझेंगे, लेकिन मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर हमारी टीम ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाया है तो मैं एक बार देख लेता हूं, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शायद हमारी टीम भूल गई।
पर मैं आपको बता देता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर आ गया तो आगे देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओरिजिनली होता क्या है, इधर ध्यान से सुनना। आप अपने घर से कार से निकले, कार में बैठते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, पेट्रोल का डिटेक्टेशन हुआ। जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट की तो आप ऑफिस के लिए डिले हो रहे थे, तो आपके मोबाइल से अपने आप मैसेज चला गया ऑफिस में कि आपको 10 मिनट के देरी हो सकती है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप जीपीएस से आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि कितना टाइम लगेगा। आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसकी सूचना ऑफिस में तत्काल पहुंचाई गई अपने आप ही। फिर आप जब ऑफिस पहुंचने ही वाले थे तो सूचना आ गई कि आप पहुंचने गए हैं, बस आ रहे हैं ऊपर। फिर जब आप अपने कैबिन में बैठे थे तो आपके द्वारा मैसेज आ गया कि आज किन किन लोगों से मीटिंग है आपकी। फिर आपकी मीटिंग के बाद जब आप घर के लिए निकले तो आपका मैसेज घर तक पहुंच गया कि आप निकल चुके हैं। उन्होंने मैसेज रिप्लाई आया कि आपको ये चीजें खरीद कर लानी है। इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है जो ऑटोमेटिकली सब चीजों को मैनेज करता है। आप कार से चल रहे थे तो अचानक घड़ी में आवाज आई कि आज आपने वॉकिंग नहीं की है, रनिंग नहीं की है, आपका हेल्थ खराब हो रहा है। कुछ समय के बाद आपको मैसेज आया कि आपका ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, अब क्योंकि 6 महीने पहले आपने ब्लड टेस्ट किया था। फिर आपने अपने घरों के सारे लाइट को बंद करने के लिए मोबाइल से ही सारा कनेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने घर से 200 किलोमीटर बाहर थे और आपको अचानक याद आया कि घर के लाइट बंद नहीं किए थे, तो मोबाइल से आपने लाइट को बंद कर दिया। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा क्या सभी लाल लालियों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझ में आया। ये है आने वाला समय जब हम अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे स्मार्ट होम होंगे, ऐसे घर बनाए जाएंगे जिसके अंदर की सारी चीजें स्मार्ट रहेगी। आप मोबाइल से सब कुछ कवर कर सकेंगे। आपका एग्रीकल्चर पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर रहेगा। मोटर पंप, किसान का मोटर पंप टाइम पर चालू हो जाएगा, टाइम पर बंद हो जाएगा। कैमरे से किसान को पता चल जाएगा कि उसके फसल में कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, उसकी फसल ठीक है कि नहीं है। कैमरे के सहायता से ही नहीं, इसके अलावा डिटेक्ट भी होगा, यदि ओले गिर गए हैं और फसल को नुकसान हुआ है तो इमीडिएटली फोटो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा ताकि आप फसल बीमा वाले तक फोटो पहुंचा सके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक अद्भुत सी दुनिया होगी, आने वाला समय इसी का बना है। पर इसके लिए जरूरी है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी IoT तभी आ पाएगा जब 5G टेक्नोलॉजी होगा। तो स्मार्ट पार्किंग होगी, आपको पहले से ही पता चलेगा कि पार्किंग स्मार्ट पार्किंग कैसी होगी। आप जैसी एंट्री करेंगे तो पता चल जाएगा कहां जगह खाली है या नहीं है। कंज्यूमर के लिए कई सारी सुविधाएं होगी, हेल्थ केयर होगा, फिटनेस डिवाइसेस होंगे, लॉजिस्टिक होंगे, वो अपनी वस्तुओं और अपने सामानों को ट्रैक कर पाएगा आसानी से। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी हो पाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से। और कई सारी चीजें हैं, आप नैरो बैंड IoT है, ये आने वाले समय में बहुत बेहतर काम करेगा। और नैरो बैंड का मतलब है कि 5G की जगह 4G से ही काम चल सकता है, ऐसा BSNL का कहना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा गहरा शब्द आता है, डार्क नेट, कई बार इसे डार्क वेब भी कह देते हैं, डीप वेब और सरफेस वेब। कई लोग डराते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे समझना, जब आप गूगल पर कोई चीज सर्च करोगे, जैसे गूगल पर आप मेरा नाम सर्च करोगे तो आपको गूगल मेरे बारे में सारी जानकारी दे देगा, लेकिन आप गूगल पर मेरा अकाउंट नंबर खोजोगे तो वो तो नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कुछ जानकारी ऊपरी स्तर पर है। जो जानकारी ऊपरी स्तर पर है उसको कहते हैं सरफेस वेब। इसकी पहुंच इस तक सबकी पहुंच है, इस तक सबकी पहुंच है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जितनी जानकारी इंटरनेट पर आप ढूंढते हैं,
जितनी जानकारी इंटरनेट पर आप ढूंढते हैं ना, वह केवल 4% जानकारी है पूरे इंटरनेट पर उपस्थित जानकारी का। इमेजिन करिए, गूगल इतने रिजल्ट दिखा देता है कुछ सेकंड में, वह केवल 4% जानकारी है पूरे इंटरनेट पर उपस्थित जानकारी का। 96% इंटरनेट की जानकारी इस रूप में प्रेजेंट है। इसको यदि आपको एक्सेस करना है तो आपको इसके लिए पासवर्ड लगता है, एक विशेष प्रकार का ब्राउजर लगता है, जैसे आपका इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए, बिटकॉइन का आपका अकाउंट ले लीजिए, तो जो भी आपके अकाउंट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कई सारी चीजें जैसे डिफेंस का, या फिर सरकार के जो भी अंदरूनी बातचीत होती है, या जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वह सबको थोड़ी मिलते हैं, तो वह डार्क वेब कहलाता है। उसको कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं। हां, अगर आप गलत मंशा से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डरना चाहिए आपने। डार्क नेट इंटरनेट पर आधारित ऐसे नेटवर्क होते हैं जिन्हें न ही गूगल, क्रोम या सफारी जैसे सर्च इंजन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, और न ही उनको तक पहुंच हो पाती है किसी तीसरे व्यक्ति की। डार्क नेट पर उपलब्ध सामग्री सामान्यतः इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड आपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा, सुरक्षित होता है, किसी को पता नहीं होता है दो लोगों के अलावा। विशेष ब्राउजर की आवश्यकता होती है। डार्क नेट स्वयं डीप वेब के भाग होते, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर सामान्य सर्च इंजन नहीं पहुंच पाते उन्हें डीप वेब कहते, गहरे वेब कहते हैं। उसी में डार्क वेब भी आता है, डार्क नेट भी आता है, जिनमें पासवर्ड द्वारा संरक्षित साइट भी शामिल होती है, जैसे किसी व्यक्ति का बैंक स्टेटमेंट जो ऑनलाइन उपलब्ध तो होता है किंतु सामान्य रूप से इंटरनेट पर सर्च नहीं किया जा सकता। डीप वेब के किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए उसके यूआरएल एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए पासवर्ड यूजर नेम का प्रयोग करना होता है, जैसे कि आप जीमेल को भी देख सकते हैं। समग्र इंटरनेट का 96% भाग डार्क वेब से निर्मित है, जबकि सरफेस वेब केवल 4% है। इंटरनेट का वह भाग जो आम जनता के लिए सरलता से उपलब्ध होता है, जिसे सर्च इंजन के माध्यम से आसानी से सर्च किया जा सकता है, उसे सरफेस वेब कहा जाता है। फिर अब कुछ शब्दावली है इन कंप्यूटर से जुड़ी हुई, थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, DRDO अचीव ए माइलस्टोन इन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कम्युनिकेशन मेथड इन्वॉल्विंग कंपाउंड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, सुपर कंप्यूटर के भी ऊपर कोई है तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। अभी किसी भी देश के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया गया है, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के आकार का होगा, लेकिन इसकी ताकत सुपर कंप्यूटर से लाख गुना होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। सोचिए, सुपर कंप्यूटर की ताकत इतनी भयानक होती है, लेकिन उससे भी लाख गुना। और अगर वो कंप्यूटर बना लिए गए तो आप ये मान के चलिएगा कि साइंस की कई अनसुलझी गुत्थियों को दूर कर पाएंगे हम लोग, पर अभी बनाया नहीं जा पाया है। उसमें स्टेप स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसी उसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें हमने सफलता हासिल की है। DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में सफलता हासिल की है, मतलब हम भी क्वांटम कंप्यूटर आने वाले समय में बना सकते हैं। हम भी धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पहले कैलकुलेटर बने होंगे, फिर कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना होगा, वैसी ही प्रक्रिया चल रही है। ये अद्भुत सा कंप्यूटर होगा आने वाले टाइम में। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में DRDO ने सफलता हासिल की है। फिर है आर्ट पार्क। व्हाट इज द आर्ट पार्क? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ध्यान से सुनना, आपने मेगा फूड पार्क सुने होंगे, एक्सपोर्ट पार्क सुने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग पार्क सुने होंगे। तो अब ऐसा ही हमारा देश बनाने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स पार्क। मतलब यहां पर उन उद्योग धंधे और उन व्यवसायिक कार्यों को देखा जाएगा जो इस क्षेत्र से जुड़े होंगे। एस्टैब्लिश इन बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है ये एक तरीके का।
आर्ट पार्क के तहत दो प्रकार के कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, डाटा सेतु, डाटा शेयरिंग इकोसिस्टम एंड क्रिएट ए डाटा मार्केट प्लेस बूस्टिंग आर्टिफिशियल एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन, और भाषा सेतु, इंडिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन बोथ ऑफ स्पीच टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट। मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाने पर काम चल रहा है उसमें, जहां पर भारतीय भाषाएं बोली जाएगी और वो टाइप हो जाएगी। तो यह अभी चल रहा है। आर्ट पार्क एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में स्टैब्लिश हुआ है बेंगलुरु में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का पूरा नाम है आर्ट पार्क। इसमें डाटा शेयरिंग की बात है, डाटा को सेव करना, मतलब हमारे देश का पूरा डाटा कंट्रोल करना, और लैंग्वेज के लिए भी एक सेतु काम कर रहा है। तो दो तरीके के काम आर्ट पार्क में हो रहे हैं। फिर एक रियल मैंगो, ये एक तरीके का इलीगल सॉफ्टवेयर सामने आया था, इलीगल सॉफ्टवेयर। रियल मैंगो इज ए इलीगल सॉफ्टवेयर यूज टू कंफर्म रेलवे रिजर्वेशन। द सॉफ्टवेयर वॉज अर्लियर विद द नेम रेयर मैंगो। अब रेयर मैंगो बन गया है रियल मैंगो, और ये गैर कानूनी सॉफ्टवेयर है। आपने कई बार, अभी तो टिकट मिल जाते, लेकिन जब सामान्य स्थिति होती थी कोरोना के पहले की, तो आप देखते होंगे कि रेलवे रिजर्वेशन नहीं हो पाता था, तो ये सॉफ्टवेयर था उसके पीछे। ये रियल मैंगो नाम से याद रखना, या रेयर मैंगो। फिर है नैनो स्नीफर, ये काफी बेहतर टेक्नोलॉजी है, ध्यान से सुनना। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर कॉल्ड नैनो स्नीफर। स्नीफर समझते हैं ना, जो सूंघ कर चीजें बता सकते हैं। तो एक नैनो स्नीपर डलाया गया है, मतलब नैनो स्नीपर, सोचिए कि एक नैनो छोटी सी चीज है जो उसको हमने वातावरण में फेंक दिया और वो डिटेक्ट करके बता देगी कि कहां पर विस्फोटक है। अभी तक विस्फोटक के लिए हम कुत्तों का उपयोग करते थे, या विस्फोटक के लिए विस्फोटक डिटेक्टर का उपयोग करते थे, तो वो बहुत बड़ी युक्ति है जिसमें मानव मनुष्य की जरूरत पड़ती है। नैनो स्नीपर बहुत छोटी युक्ति है और बहुत बेहतर तरीके से सभी प्रकार के विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकती है। तो नाम याद रखना, नैनो स्नीपर्स। नैनो स्नीपर वॉज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। नैनो स्नीपर्स कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन लेस देन 10 सेकंड। इट कैन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव। इट कैन डिटेक्ट इवन नैनोग्राम क्वांटिटीज। यह नैनोग्राम मात्रा को भी डिटेक्ट कर सकता है। अद्भुत है नैनो स्नीपर, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है। विस्फोटक पदार्थों को 10 सेकंड में डिटेक्ट करने की इसकी क्षमता है। फिर पीएम वाणी, हमने आपको बताया था वाईफाई, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, भारत की नई सार्वजनिक वाईफाई योजना, जिसके माध्यम से सरकार रेलवे स्टेशन, पंचायत, डाक ऑफिस, पोस्ट, मतलब जो हमारे सरकारी भवन हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग सांस्कृतिक महत्व के भवन हैं, उन सभी जगह को हॉट स्पॉट में बदला जाएगा। वहां पर एक वाईफाई बड़ी मजबूत युक्ति लगाई जाएगी जो आसपास के क्षेत्र को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करेगा। इसका नाम क्या रखा गया, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, वैसा ही नाम है, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, भारत की नई सार्वजनिक वाईफाई योजना। देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। यदि, और इसमें प्राइवेट लोगों को भी अनुमति है, कि यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में पीएम वाणी के तहत एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलना चाहता है, तो इस वेबसाइट पर जाएं और एक तरीके से आवेदन करें। अनुमति जैसे ही मिलेगी तो आपके घर के ऊपर लग जाएगा, जहां पर सभी लोग फिर आ सकेंगे। पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, नहीं इनके लिए पंजीकरण की जरूरत होगी, इस पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा। पीडीओ ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के जरिए दूर संचार विभाग के पास अपना पंजीकरण करा सकेंगे। आवेदन के 7 दिन के भीतर उनका पंजीकरण हो जाएगा। फिर इसी रूप में आगे बढ़े तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड, दिसंबर 2020 से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड शुरू हुआ है।
एकीकृत इंटेलिजेंट मास्टर डाटाबेस स्ट्रक्चर है, रियल टाइम डाटा के साथ संदिग्ध आतंकियों को ट्रैक करने तथा आतंकी हमलों को रोकने के लिए स्थापित है। नेटग्रिड में आप्रवसन प्रवेश प्रस्थान हवाई यात्रा क्रेडिट कार्ड के खरीददारी बैंकिंग वित्तीय लेनदेन करदाता दूर संचार ट्रेन यात्रियों से संबंधित डाटा एकत्रित होगा। नेटग्रिड क्या है भाई, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, हमारे देश में डेटा सेंटर बनेगा, एक डेटा सेंटर। जितने भी हमारे देश के एयरपोर्ट में लोग यात्रा करते हैं, जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उन सभी का डाटा यहां सरकार रखेगी। आप लोगों को मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी तो हॉलीवुड की मूवीज में जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो बहुत हवाबाजी नाम दिखाते रहते हैं बार बार, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे ही किसी व्यक्ति को डिटेक्ट करनी है तो उसकी दो चार जानकारी डालती है और फिर पूरा का पूरा सर्च किया जाता है। तो वो नेटग्रिड है उनका, जिसके जो उनका डाटा सेंटर है वहां पर रजिस्टर्ड पूरा चेक होता है। ऐसा भारत का भी डेवलप होगा, इससे हम पहचान पाएंगे, आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी प्रकार के आतंकवादी मूवमेंट को, और बहुत आसानी से बता पाएंगे कि ये व्यक्ति कहां से आया है, किस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इस तरीके की जानकारी आपको वहां पर मिल पाएगी। फिर है मिशन होप प्रोब, संयुक्त अरब अमीरात का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन होप प्रोब। भाई संयुक्त अरब अमीरात इंटरप्लेनेटरी कहते भाई, जनरली जितने भी अधिकतर देशों के प्रयोग होते हैं वो पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर हो तो उसको कहते हैं इंटरप्लेनेटरी मिशन होप प्रोब। एमिरेट्स मार्स मिशन होप प्रोब, ये संयुक्त अरब अमीरात का मंगल ग्रह के लिए भेजा गया मिशन है। जैसे भारत ने मॉम भेजा था, मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था। भारत उन देशों का सूची में पहले स्थान पर है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में, मंगल ग्रह की कक्षा में अपना सैटेलाइट स्थापित किया था। तो ऐसा ही ये भी भेज रहे हैं। 12 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। अपनी सफलता के साथ मंगल पर पहुंचने वाला यूएई दुनिया का पांचवा है, हम चौथे नंबर पर थे। और इसने भी पहली बार में सफलता हासिल की, पहली बार में इसने भी सफलता हासिल की, हमने पहली बार में पहले राष्ट्र बने थे, ये दूसरा राष्ट्र बना जिसने पहली बार में सफलता हासिल की। फिर है फुगाकू, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जापान का है। अभी तक सुमित था, सुमित आईबीएम का बना हुआ अमेरिका का, अभी समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। फुगाकू विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जापान के द्वारा विकसित। फुगाकू जापान की प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान के उद्देश्य से विकसित किया गया है। स्वस्थ समाज, बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा न्यूनीकरण के लिए, क्योंकि वैसे भी वहां पर आपदाएं आती रहती हैं, वहां के ऊर्जा उपयोग को बेहतर करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कभी भी सर्च करना हो, जैसे आप मुझसे कहेंगे कि सर आप कहां से डाटा लाते हैं, तो कभी भी अगर आपको टॉप 500 सर्च करना है, अगर आपको कहीं पर भी टॉप 500 सर्च करने हैं, तो बस एक गूगल डालिएगा तो गूगल पर एक वेबसाइट आएगी टॉप 500। हर 6 महीने में एक एनजीओ ही मान के चलिए ये अपडेट करता है कि विश्व के सबसे तेज 500 कंप्यूटर कौन से हैं, और यह वो 500 कंप्यूटर भी देता है जो न्यूनतम ऊर्जा खपत पर निर्भर करते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, 2-3 मंजिला आकार के, 2-3 मकान जो होते हैं ना, मंजिल जो बनाया जाता है, उतना बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। इसको एक जगह बनाने के बाद दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते, जहां पर बनाया जाता है वही पर यूटिलाइज होता है। जैसे मैंने कहा क्वांटम कंप्यूटर, वो छोटे आकार के भी होंगे और सुपर कंप्यूटर से लाख गुना बेटर भी होंगे। तो जरा देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर फुगाकू, इसमें सारी जानकारी दी जाती है। तो किसका है ये, तो जापान का है। आप अगर देखेंगे तो इसकी जो स्पीड होती है ना, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है, वो फ्लॉप पर सेकंड, फ्लॉप
फ्लोटिंग जो पर सेकंड होता है उस पर मेजर किया जाता है, और वर्तमान में टेरा फ्लॉप मतलब 10 की घात, आप लोगों ने मेगा नाम सुना होगा, 10 की घात 6, फिर उसी रूप में आप लोगों ने टेरा वर्ड कभी सुना हो, जैसे किलो वर्ड होता है, मेगा वर्ड होता है, गीगा वर्ड होता है, वैसा टेरा वर्ड होता है टेरा, 10 की घात किसी को याद आ रहा है? देख लू मैं कितने लोगों को याद है, टेरा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, टेरा फ्लॉप, पहले पेंटा फ्लॉप होता था, अब टेरा फ्लॉप आ गया है, एटा फ्लॉप आ गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर आईबीएम का सुमित है, आईबीएम का सुमित है, और देखना जापान की तुलना में सेकंड नंबर बहुत पिछड़े पीछे गए, बहुत पीछे मतलब इतना पीछे कि उसको दूसरा कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, अद्भुत सी बात है ये, तो सोचिए। और तीसरे नंबर पर सियारा है, ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, जापान बहुत आगे निकल गया, बहुत भयानक रूप से आगे निकल गया है, बहुत ही मतलब हम स्पीड के मामले में अगर कहें तो इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 442 पेंटा फ्लॉप आएगी, ये 10 की पावर 12 होता है तो पेंटा के रूप में मैंने 3 हटा दिए, इसकी 148 है, इसकी 148 है, इसकी 94 थी, पेंटा फ्लॉप। देखिए फुगाकू कितना भयानक स्पीड वाला है, पेंटा फ्लॉप मतलब 10 की पावर 15। अभी तक हम जितने कंप्यूटर यूज करते हैं, आपके पास मोबाइल होंगे ना, तो आपके मोबाइल की स्पीड क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा रैम आप अगर देखेंगे आपके मोबाइल में जो रैम आएगी, पेन बदल रहा हूं मैं, 442 पेंटा फ्लॉप, 148 पेंटा फ्लॉप, 94 पेंटा फ्लॉप, आपके मोबाइल की जो रैम होगी ना वो जीबी में होगी, अभी भी जीबी में, और जी का मतलब अगर हम देखेंगे तो 10 की पावर 9 होता है, ये 10 की पावर 15 की हम बात कर रहे हैं, 10 की पावर 15, इमेजिन करिए, यह लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा स्पीड की बात है, 1,00,000 गुना, और उसमें भी 448 भयानक स्पीड है, भयानक मतलब आप इस स्पीड से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी, अगर मान लीजिए सैटेलाइट का फोटोग्राफ डाला गया तो उस सैटेलाइट के फोटोग्राफ की सारी इंफॉर्मेशन बड़े मुश्किल से कुछ सेकंडों में उपलब्ध करा देगा कि ये कहां का है, इसके अंदर कौन कौन सी सूचनाएं हैं, बहुत सारी जानकारी ये प्रस्तुत कर सकता है, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला है ये, जापान का बहुत आगे निकल चुका है। फिर है निसार, हमारे भारत का आपको पता होगा, हमारे भारत का पहले टॉप 20 में था आज से 5-6 साल पहले, फिर टॉप 50 में हुआ, फिर टॉप 100 में आया, अब शायद हमारा टॉप 100 से भी निकल चुका है, किसी को याद है हमारे वाले सुपर कंप्यूटर का नाम, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, आप टॉप 500 में लिस्ट देख सकते हैं, नहीं परम तो बहुत पुराना हो गया भाई, परम तो बहुत पुराने टाइम का हो गया, कौन सी दुनिया में है, बहुत ही बढ़िया, निसार नासा और इसरो, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये नया प्रोजेक्ट है, पहली बार नासा और इसरो मिलकर एक ऐसा सैटेलाइट बना रहे हैं, एक ऐसा उपग्रह बना रहे हैं जो बहुत ही कम समय में पूरे पृथ्वी के अंदर की बहुत ही सूक्ष्म इमेजेस दे सकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन से लेकर कई सारे मुद्दे में हम इस सैटेलाइट का उपयोग कर सके। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा एक उपग्रह है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर राडार, जिसका नाम है निसार, सिंथेटिक एपरेचर राडार हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को प्राप्त करने, 2D या 3D संरचना बनाने के लिए प्रयुक्त एक तकनीक है, यह रडार मौसम, बादल, कोहरे, सूर्य की कम रोशनी और अंधेरे जैसी सभी परिस्थितियों में डेटा ले सकता है। क्या करेगा निसार, अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान
प्रत्येक 12 दिनों में अति सूक्ष्म स्तर पर पृथ्वी का स्कैन करेगा। प्राथमिक लक्ष्य है ज्वालामुखी उद्गार की चेतावनी जारी करना, भूजल उपलब्धता की निगरानी करना, आइस शीट के पिघलने को ट्रैक करना और जलवायु परिवर्तन के लिए ध्यान देना कि पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। फिर अगली टेक्नोलॉजी है चैप टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला इकाई ने स्वदेशी चैप प्रौद्योगिकी का विकास किया है, मिसाइलों को उनके लक्ष्य से भ्रमित करने के लिए, स्नीफर जैसे मैंने आपको बताया था एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने के लिए। चैप टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी देश ने हम पर मिसाइल हमला किया तो उसकी मिसाइल को भ्रमित करना, और भ्रमित करेगा तो टारगेट भटक जाएगा, तो चैप टेक्नोलॉजी इसमें मदद करती है। डीआरडीओ की जोधपुर स्थित रक्षा प्रयोगशाला इकाई ने स्वदेशी चैप प्रौद्योगिकी का विकास किया है, मिसाइलों को उनके लक्ष्य से भ्रमित करने के लिए। यह तकनीक नौसैनिक पोतों को शत्रु के राडार से सुरक्षा प्रदान करेगी। आप जानते हैं कि नौसेना के पास एक या दो विमान वाहक पोत होते हैं, अंग्रेजी में कैरियर होते हैं, विमान वाहक पोत एक और दो हैं, और एक मिसाइल ने ही मान लीजिए कि नौसेना का उसी को खत्म कर दिया तो नौसेना के पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तो उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ये चैप टेक्नोलॉजी काफी मददगार होगी। चैप रॉकेट निष्क्रिय होते हैं, इनको आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है, किसी भी मिसाइल से खतरा महसूस होने पर उसको भ्रमित करने के लिए चैप को विमानों से हवा में छोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से रॉकेट होते हैं जो तेजी से कई जगह से भेजे जाते हैं, तो जो मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो किसको टारगेट माने, क्योंकि जैसे कैमरे में आप लोगों ने देखा होगा फेस डिटेक्टर होते हैं, फेस डिटेक्टर। अब मान लीजिए कि कई सारे लोग आ गए तो फिर वो कंफ्यूज रहता है कि किसका फेस डिटेक्ट करे, तो बस वैसा ही चैप टेक्नोलॉजी है। जब भी आपको किसी भी मिसाइल को भ्रमित करना है तो इस चैप रॉकेट को भेज दीजिए और ये मिसाइल भ्रमित हो जाएगी कि वो किसे टारगेट बनाए। फिर है डाटा 22, वायुमंडलीय व महासागरीय स्थितियों के पर्यवेक्षण और उनसे जुड़े आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को डाटा 22 कहते हैं। एकत्रित आंकड़ों को ये उपकरण इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करके संग्रहण केंद्रों में भेज देते हैं। इन उपकरणों में लगे सेंसर प्राकृतिक और मानव जनित घटनाओं या आपदाओं के पूर्वानुमान उनकी निगरानी में सहायक है। समझना, डाटा 22 बहुत सिंपल सी संरचना है। अभी तक हम सैटेलाइट की मदद से उपयोग कर रहे हैं, सैटेलाइट की मदद से हम बता पाते हैं कि कहां सुनामी आने वाली है, कहां चक्रवात आने वाला है, लेकिन इसमें टाइम कई बार ज्यादा लग जाता है। लेकिन सोचिए कि हमने महासागर के अंदर ही कुछ ऐसी युक्तियां लगा दी कि जो महासागर के तापमान में परिवर्तन, वहां के हवा की गति, सारे जो आर्द्रता में परिवर्तन, वायुमंडल के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसको, उस इंफॉर्मेशन को वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके हमें पहुंचा दे, तो इन्हीं को कहा जा गया है डाटा 22। इसकी मदद से न केवल आपदा प्रबंधन समय रहते किया जा पाएगा, बल्कि बहुत पहले ही हम चक्रवात के बारे में, सुनामी के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में भी घोषणा कर पाएंगे। तो काफी बेटर टेक्नोलॉजी है ये। डाटा 22 एक युक्ति है, एक उपकरण है जो सीधे वायुमंडल और महासागर के डाटाओं को एकत्रित करके सिग्नल भेज देता है, उस जानकारी को डिजिटल रूप में भेज देता है। फिर है चीन का पहला मंगल मिशन तियानमेन 1। चीन अमेरिका के नासा के जैसा एक मंगल मिशन भेज रहा है जिसमें वह मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह के साथ साथ, मतलब मंगल ग्रह की कक्षा में एक उपग्रह तो प्रक्षेपित करेगा, लेकिन मंगल की सतह पर एक रोबोट जिसे रोवर कहेंगे हम लोग, उसे भी उतारेगा। इस मिशन का नाम है तियानमेन 1। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया चीन का पहला मंगल मिशन। चीनी शब्द तियानमेन का मतलब है जन्नत का प्रश्न।
टियानमेन का प्रक्षेपण मार्च 5 नामक रॉकेट से, देखना इसका नाम है टियानमेन मिशन का जो प्रक्षेपण है वो रॉकेट मार्च 5, ये रॉकेट का नाम है। जैसे हमारे यहां पर रॉकेट के नाम पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, अब हम आरएसएलवी बना रहे हैं, तो वैसे उसका नाम मार्च 5 है। जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है। इसमें एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ सर? ऑर्बिटल का मतलब है कि जो मंगल ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करेगा। एक लैंडर है और एक रोवर है। लैंडर मतलब जो चीज को जमीन पर उतारेगा और रोवर मतलब एक रोबोट है। मंगल के वातावरण को समझना, वहां जीवन के संकेतों की खोज करना। चीन अमेरिका के बाद मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा। चीन का पिछला यिंग हुओ वन मंगल मिशन जिसे रूस द्वारा समर्थन दिया गया था 2012 में विफल हो गया था। तो टियानमेन वन भी याद रखना। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर यह काफी चर्चा में रहा था। इजराइल के द्वारा यरूशलेम में हुई हिंसक झड़पों में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। छोटी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है सर? इसमें एक गाड़ी होती है जिस पर राडार लगा होता है और इसी के पास एक तरीके के रॉकेट होते हैं। वहां से कोई भी हमला होगा तो उसको हवा में ही नष्ट करने के लिए यह एक तरीके का सुरक्षा वॉल होता है, तो इसलिए इसको डिफेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें राडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल थी। मिसाइल का नाम है तामीर, जो इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइल या रॉकेट को ट्रैक करके उन्हें हवा में ही समाप्त कर देता था। फिर है वाइपर रोवर, वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोशन रोवर, वाइपर रोवर। उधर चीन मंगल पर रोवर उतार रहा है। मंगल पर संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपना एक उपग्रह भेज दिया है। चंद्रमा पर भी रोबोट भेजने की तैयारी चल रही है। चल क्या रहा है? इधर कोरोना के कारण दुखी है लोग, भुखमरी बेरोजगारी से, और ये लगे हैं सब जगह पर चीजों को भेजने में। चंद्र रोवर है नासा के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए, क्योंकि वैसे तो हम दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले थे। हमारा चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था और नासा को पता है कि इसरो बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। नासा को ये जानकारी होगी या उसे पता चला कुछ विशेष चीज हो, और इसी कारण से उन्होंने भी दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए नासा द्वारा 2003 में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की भी घोषणा की गई है। मोबाइल रोबोट मतलब गतिशील रोबोट। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा के सतह की खोज करेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करेगा। वाइपर भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं। देखिए नौसेना जो होती है ना भाई, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जो हमारे या किसी भी देश की नौसेना होती है तो नौसेना के पास क्या क्या होता है? नौसेना के पास होता है विमान वाहक पोत। ये क्या होता है सर? ये बहुत बड़े जहाज होते हैं। इन जहाजों पर आपको फाइटर प्लेन भी मिलेंगे, ये नौसेना ही चलाती है, तो फाइटर प्लेन भी मिलेंगे। इसी पर बहुत सारी युक्तियां भी लगी होगी। एक फुटबॉल का मैदान ही सोचिएगा कि पानी में चल रहा है। विमान वाहक पोत को अंग्रेजी में कैरियर कहते हैं। दूसरी होती है पनडुब्बिया। दूसरी क्या होती है? पनडुब्बिया, जो पानी के अंदर से सिक्योरिटी का काम करती है। और तीसरी होती है छोटी छोटी जहाजे, छोटी छोटी मतलब फिर भी साइज में ठीक ठाक होगी, पर ये इतने आकार की नहीं होती है, छोटी छोटी जहाजे होती है। तो ये जो सबसे बड़े आकार की होती है किसी भी देश के पास 1, 2, 3, 4, 10 तक में हो सकती है। जैसे अमेरिका थोड़ा सा अमीर भाई, 12 भी है उसके पास। हमारा जो सबसे पहला था ना, सबसे पहला INS विक्रांत था, ब्रिटेन ने हमें दिया था। 98 में रिटायर हो गया, 97-98 में रिटायर हो गया। फिर उसका जो लोहा है वो बेचा गया था, तो एक कंपनी ने गाड़ियां बनाई तो उसकी मार्केटिंग की थी। फिर दूसरा था INS विराट, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया था। 2017 में रिटायर हो गया। वो रिटायर होने का मतलब अब उसके अंदर मरम्मत बहुत है,
प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क भी ज्यादा है। अब वर्तमान में भारत के पास केवल एक ही है INS इंडियन नेवल शिप, जिसे हम कहते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य रूस ने हमें गिफ्ट किया है, ये रूस से रिटायर हुआ है, तो रूस अमीर देश है, समय से पहले ही रिटायर चीजों को कर देते हो, उसकी मरम्मत करके उसे रूस में एडमिरल गोर्शको कहते थे, पर वो गिफ्ट किया गया, मतलब गिफ्ट के नाम पर बकवास है वो। हमें बहुत पैसा देना पड़ा भारत को, 2.4 बिलियन रुपए चुकाने पड़े जिस कंपनी ने उसकी मरम्मत की उसके नाम पर, बड़ा लंबा मामला था। तो एडमिरल गोर्शको है हमारे पास अभी, जिसको हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो भारत ये समझ गया कि यदि भारत के पास भाई दो तरीके की सीमाएं हैं, एक तरफ तो अरब सागर है और दूसरा बंगाल की खाड़ी है, तो एडमिरल गोर्शको को इधर रखो तो इधर सुना पड़ जाता है, इधर रखो तो इधर सुना पड़ जाता है। तो भारत को मिनिमम, वैसे तो जरूरत तीन की है, क्योंकि एक मुंह करता रहेगा, देखता रहेगा, तो भारत के पास अभी एक ही है। भारत अब अपना स्वदेशी बना रहा है INS विक्रांत। INS विक्रांत, अमेरिका मदद कर रहा है इसमें हमारी। INS विक्रांत को वर्ष 2022 में कमीशन किए जाने की संभावना है, कमीशन का मतलब शामिल किए जाने की। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में निर्मित है स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक ही विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य, जो रूस से लिया गया था, अमेरिका ने इसमें मदद की है। INS विक्रांत की खासियत क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी में एक इमाल्स टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ी है, इमाल अमेरिका के सहयोग से एक कैरियर भी तैयार किया जा रहा है INS विक्रांत के अलावा भी, जिसमें इमाल्स टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें प्रक्षेपण करने के लिए लंबे एक तरीके से कोई भी वायुयान को जब मतलब एक तरीके से उड़ना होता है तो लंबा ट्रैक लगता है, तो इसमें छोटे से ट्रैक से भी वायुयान जा सकेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्चर सिस्टम है वो, एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है वो। तो इमाल्स टेक्नोलॉजी अमेरिका हमें दे रहा है, ये अभी तक विश्व में किसी के पास नहीं अमेरिका के अलावा, तो भारत अभी और ही विकसित कर रहा है। फिर एक शब्द है एमबीटेक्ड, IIT रोपड़ पंजाब के द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण एमबीटेक। एमबीटेक खराब होने वाले उत्पाद, टीकों और शरीर के अंगों व रक्त के संचार का रियल टाइम तापमान दर्ज करता है। देख लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मुझे जितनी जानकारी है, जितनी मेरे पास जानकारी है, अभी हमें अपने बॉडी के टेस्टिंग करने के लिए ब्लड देना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। गूगल किसी एक ऐसी युक्ति पर काम कर रहा है कि जिसमें बॉडी के किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, ब्लड सारे टेस्ट हो जाएंगे, और वो भी केवल और केवल एक थंब की मदद से। एक थंब की मदद से इमेजिन करिए कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से वर्क करेगा। तो ऐसा एमबीटेक बना दिया गया है। एमबीटेक क्या करेगा भाई, एक ऐसी युक्ति है कि अगर कोई चीज खराब होने वाली है तो खराब होने से पहले ही आपको मैसेज पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने घर में टमाटर लाए हैं, और टमाटर लाए तो आप जानते हैं कि 5-6 दिन में वो खराब हो जाता है, तो खराब होने से पहले ही मैसेज आ जाएगा, डिटेक्ट कर देगा कि ये टमाटर खराब होने वाले, अभी यूज कर लो, आखिरी टाइम है, तो फिर खराब हो जाएंगे। तो एमबीटेक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपकरण है, IIT रोपड़ पंजाब ने विकसित किया है। खराब होने वाले प्रोडक्ट, कोई टीका खराब होने वाला हो, शरीर के अंग, रक्त के संचार का रियल टाइम टेम्परेचर दर्ज करता है। जब तापमान निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाता है तो एक अलर्ट जारी करता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेजर करते रहता है। और अगर हमें बुखार आने वाला है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अभी हमें कब पता चलता है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ये बुखार आने से पहले ही बता देगा एमबीटेक कि आपको बुखार आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक जो एप्पल की घड़ी आई है, वो एप्पल की घड़ी इतनी महंगी क्यों है, क्योंकि वो इकलौती घड़ी है जो आपको ECG देती है। भाई आप सोचिए, आज से पहले ECG या ये एप्पल की घड़ी से पहले ECG की मशीन हुआ करती है, और उसके लिए ECG पूरा निकलना पड़ता है। ये इकलौती घड़ी है जो आपको ECG देती है। कई सारी घड़ियों पर हार्ट बना होगा, वो आपको हार्ट बीट बताएगी,
लेकिन वो इकलौती घड़ी है जो ईसीजी बताती है, प्रतिदिन का ईसीजी आपका, प्रतिदिन का। सोचिए कि आप एक ऐसी मशीन लेकर घूम रहे हैं जो डेली आपका ईसीजी बना रही है, और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ईसीजी में लगेगी तो इमीडिएटली आपको सूचित करेगी कि डॉक्टर को दिखाइए, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब अद्भुत सी घटना है ये, अद्भुत सी घटना है। फिर है स्वास्तिक तकनीक, पुणे स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के द्वारा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल ये सीएसआईआर की एक संस्था है, प्राकृतिक तेलों का उपयोग कर जल को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित एक नई तकनीक है, जल में उपस्थित सभी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में सक्षम। ध्यान से सुनना, स्वास्तिक तकनीक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देती है, बैक्टीरिया को, प्रदूषकों को नहीं, बैक्टीरिया को। अगर यह भी कर पाई तो पानी का प्यूरिफिकेशन करना और भी सरल हो जाएगा। तो स्वास्तिक तकनीक किसने बनाई है? पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने बनाई है, जल को कीटाणु रहित बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए। फिर है चिप ऑफ तकनीक, स्नीपर तकनीक भी मैंने आपको बताई है, कई सारे नाम आए हैं यहां पर, थोड़ा रिवाइज ज्यादा करना। चिप ऑफ तकनीक जून 2021 में TFSL हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा स्वदेशी चिप ऑफ तकनीक विकसित की गई है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद के वैज्ञानिकों के द्वारा चिप ऑफ तकनीक विकसित की गई है। ये क्या करती है? ऐसा कोई मोबाइल या लैपटॉप आपको मिल जाए जो पूरी तरह से क्रश किया गया हो तो भी यह टेक्नोलॉजी उसके डाटा को प्राप्त कर सकती है। आप कहेंगे सर इसका क्या जरूरत पड़ेगा? भाई हमें जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की होगी, क्योंकि आतंकवादी संगठन या जो भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले संस्थाएं होती हैं, वो अभी तक क्या करती थी, सिम को तोड़ देती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनका मोबाइल होता था, लैपटॉप होता था, उसको क्रश कर देते थे। लेकिन ये इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है, चिप ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा, कि लॉक्ड और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन से इनक्रिप्टेड डाटा को भी प्राप्त कर सकती है। इनक्रिप्टेड डाटा जो दो लोगों के बीच में ही होता है केवल, उसे इनक्रिप्टेड डाटा कहते हैं, उसकी भनक तीसरे तक नहीं पहुंचती, ऐसे डाटा को भी ये निकाल सकता है, ऐसे डाटा को भी ये प्राप्त कर सकता है। चीन का कृत्रिम सूर्य, घबराना नहीं, सूर्य का मतलब होता है कोई उतना बड़ा आकार का नहीं, छोटी सी स्ट्रक्चर बनाया गया है। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज है, मैं बता देता हूं आपको। देखो भाई, परमाणु रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए। दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। एक क्या होता है? नाभिकीय संलयन। जो विखंडन होता है उसमें किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम को तोड़ा जाता है दो हल्के नाभिकों में, और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें अल्फा बीटा गामा जैसे कण उत्पन्न होते हैं। ये हानिकारक होता है क्योंकि इसमें रेडिएशन का डर रहता है, बिजली पैदा की जाती है, इसी ऊर्जा से पानी गर्म करके टर्बाइन घुमाए जाते हैं। पर दूसरा है नाभिकीय संलयन, जहां पर हल्के तत्वों से जोड़कर भारी तत्व बनाया जाता है, और वो जो भारी तत्व होता है उसके निर्माण के साथ बहुत बड़ी मात्रा में यहां ऊर्जा रिलीज होती है, लेकिन इस अभिक्रिया को करने के लिए 10^7 केल्विन का तापमान जरूरी है। तो इस अभिक्रिया के लिए इतना हाई टेम्परेचर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? इसमें कोई रेडिएशन ही नहीं होता है, इसमें कोई विकिरण नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका लाभ क्या होगा? ऐसी ऊर्जा यदि पृथ्वी पर बना सके, क्योंकि इतना टेम्परेचर तो पृथ्वी के पास उत्पन्न करना नामुमकिन है, लेकिन अब किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भाई? एक मशीन है सिंक्रोटॉन। क्या मशीन है? सिंक्रोटॉन।
इस मशीन में हम एक प्लाज्मा जैसे पदार्थ का उपयोग करते हैं और प्लाज्मा जैसे पदार्थ में धात्विक कणों को छोड़ा जाता है। इस धात्विक कणों को बहुत प्लाज्मा को बहुत तेजी से घुमाया जाता है और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। तो जब धात्विक कणों को घुमाया भी जा रहा है और विद्युत भी भेजी जा रही है तो इनका तापमान 10^7 केल्विन हो जाता है। अब यहां आप हाइड्रोजन को भेज दीजिए तो हाइड्रोजन का संलयन होगा। आप अपनी मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं कितना हाइड्रोजन भेजना है। अब इमेजिन करिए कि एक बार हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो जाए तो अपने आप तापमान मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उतना तापमान उतनी ऊर्जा तो वहां पैदा ही हो रही है। अब उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम पानी गर्म करेंगे, बिजली पैदा करेंगे। यह ऐसी ऊर्जा होगी जिसमें कोई नकारात्मक पॉइंट नहीं है, जिसका कोई सह उत्पाद नहीं है, जिससे कोई नुकसान नहीं है। और जिस दिन ये हो जाएगा, विश्व के जितने भी ऊर्जा संसाधन है इसके सामने सब फीके पड़ेंगे और इसका जो दक्षता होगी या इससे जो बिजली बनेगी वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल करने मदद करेगी। फिर कहीं कोयला जलाने की जरूरत नहीं, हमारी सारी गाड़ियां, हमारे सारे उपकरण फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो चीन ने ये सिंक्रोटॉन, ऐसा सिंक्रोटॉन ऑलरेडी बन चुका है यूरोप में भी। सर्न नामक एजेंसी है यूरोप में, कौन सी एजेंसी है, सर्न नामक, जिसने ऑलरेडी ऐसा काम कर चुका है। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर चुका है और भारत के पास भी इसका अनुभव है। चीन ने अपना प्राइवेट किया है। औपचारिक नाम है इस कार्यक्रम का या इस जो नाम रखा गया टोकामेक रिएक्टर, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, ये सिंक्रोटॉन तो एक्सलेशन के लिए यूज होती है, मैं क्षमा चाहूंगा, सिंक्रोटॉन नाम मत याद रखना, यहां याद रखना टोकामेक, टोकामेक है ये जो मैंने बताया आपको, टोकामेक है ये, टोकामेक, टोकामेक मशीन होती है जो पूरी तरह से काम करती है। सिंक्रोटॉन एक मशीन होती है जो आवेशित कणों को, सॉरी बिना आवेशित या आवेशित किसी भी कणों को त्वरित कर सकती है, उसकी स्पीड बढ़ा सकती है। तो टोकामेक नाम रखना, याद रखना टोकामेक। इसका औपचारिक नाम HL2M टोकामेक रिएक्टर है, प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, ईस्ट भी कहते हैं इसको। परमाणु संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, नाम याद रखना, संलयन की प्रक्रिया पर पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह उपकरण एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनेगा भविष्य में। फिर है विश्व का पहला कमर्शियल उपग्रह, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व का पहला कमर्शियल उपग्रह लॉन्च किया गया, यूटेल सेट क्वांटम। उपग्रह को फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो जिस जगह से लॉन्च किया गया, फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका, जिस रॉकेट से भेजा गया रॉकेट 5, एरियन रॉकेट 5, और उसका जो नाम है, जो उपग्रह है, यूटेल सेट क्वांटम है। यूटेल सेट क्वांटम एक लचीला पुनर्प्रयोग में लाया जा सकने वाला उपग्रह है। इस उपग्रह का पहला जीवन काल 15 वर्ष होगा। पुनर्उपयोग का मतलब 15 वर्ष उपयोग करने के बाद आप उसे पृथ्वी पर वापिस लेकर आ जाएंगे, वापिस लेकर आ जाएंगे, और पृथ्वी से लगभग 35 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में स्थापित होगा। यह उपग्रह पश्चिम अफ्रीका से लेकर एशिया तक के भूभाग को कवर करेगा। कमर्शियल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका उपयोग नागरिक कर पाएंगे पेमेंट करने पर। डेल्टा और कप्पा, WHO के द्वारा कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट का नामकरण, B.1.6.1.7.1 का नामकरण कप्पा, B.1.6.1.7.2 का नामकरण डेल्टा किया गया है। सबसे पहले भारत में पाए जाते हैं। नामकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच बीच में क्या हो गया था कि देशों के नाम जुड़ने लग गए थे वायरस में, कि यह चीन का वायरस है, यह सूडान का वायरस है, तो उससे क्या होता है कि देश की बदनामी होती है, ऐसा WHO का कहना था। इसी कारण से फिर वायरस और बैक्टीरिया के नामों में देशों के नाम को हटा दिया गया और फिर डेल्टा कप्पा ऐसे नामकरण किए गए हैं। गर्भाशय कैंसर के लिए विकसित स्वदेशी पद्धति को ट्रेडमार्क, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा गर्भाशय कैंसर के विरुद्ध विकसित की गई स्वदेशी पद्धति SPAG-9 को ट्रेडमार्क, मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में इस टेक्नोलॉजी को रजिस्टर कर दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है।
यह ट्यूमर एंटीजन तकनीक कैंसर के विरुद्ध काफी प्रभावी देखी गई है। भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन स्पार्क 9 की खोज 98 में डॉक्टर अनिल सूरी ने की थी। तो बहुत बड़ी खबर है कि कैंसर के इलाज में भारतीय टेक्नोलॉजी कारगर साबित हुई है, जिसे डॉक्टर अनिल सूरी ने विकसित किया था 98 में, और ये एंटीजन तकनीक से कैंसर को समाप्त करा किया जा सकता है। फिर है अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति, समझ लेना। एक्चुअली हमारे देश से दो प्रकार के सैटेलाइट भेजे जाते हैं सामान्यतः। एक दूर संचार वाले सैटेलाइट होते हैं जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जियो की कक्षा में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल कहते हैं उसे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिटल। और दूसरे होते हैं दूर संवेदी उपग्रह जो पोलर ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किए जाते हैं, पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में मिलते हैं। यह दूर संवेदी उपग्रह इसलिए कहलाते क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के कैमरे होते हैं, तो रिमोट सेंसिंग, अंग्रेजी दूर संवेदी का ही अंग्रेजी होता है रिमोट सेंसिंग, तो हम उसे रिमोट के माध्यम से फोटो खींच सकते हैं, कहीं पर भी जानकारी जुटा सकते हैं, संसाधनों का आकलन कर सकते हैं, तो एक तरीके से रिमोट की सहायता से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये पृथ्वी है और उसकी कक्षा में इस तरीके से वो परिभ्रमण करते हैं। अंतरिक्ष विभाग ने एक नई अंतरिक्ष सुदूर संवेदन नीति का मसौदा तैयार किया है, निजी क्षेत्र के लिए सुदूर संवेदन के आंकड़ों की पहुंच। नई नीति क्यों लाई गई? क्योंकि अभी तक इसरो का कोई भी डाटा निजी व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता था। जो थोड़े बहुत फोटोग्राफ पहुंचते थे वो भुवन नाम की वेबसाइट थे। अगर आप भुवन नाम की वेबसाइट पर जाएंगे तो भुवन नाम की वेबसाइट पर आपको कई सारा डाटा मिल जाएगा, लेकिन कमर्शियल यूज का डाटा नहीं होता था। कमर्शियल यूज का डाटा निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि अब प्राइवेट क्षेत्र भी स्पेस में आने वाला है, तो एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम से उत्पन्न डेटा और सेवाओं के आसान प्रसार को सुनिश्चित करने की इसमें बात कही गई है। कोई भी सेवा प्रदाता पंजीकरण की एक सरल प्रक्रिया का पालन करके देश में किसी भी उपयोगकर्ता को रिमोट सेंसिंग डेटा और सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होगा। निजी कंपनियों को रिमोट सेंसिंग पेलोड लॉन्च करने और संचालित करने की अनुमति मिलेगी, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी अपना खुद का उपग्रह भी लॉन्च कर सकती है इसरो की मदद से। अब कोई भी संस्थान इसरो के आंकड़ों का बिना कोई शुल्क दिए ही उपयोग कर सकेगा। फिर है इंट्रिंसिक, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी का गठन करने की घोषणा की है। इंट्रिंसिक कंपनी के द्वारा औद्योगिक गतिविधि में प्रयुक्त होने वाले रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेगी। रोबोट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लगता है जो कमांड सुन सकता है, आदेशों के अनुसार काम कर सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर गूगल बनाने वाला है, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए गूगल ने एक नई कंपनी खोली है। गूगल की वैसे मेन कंपनी अल्फाबेट है, क्योंकि अल्फाबेट का एक प्रोडक्ट है गूगल, इसका अल्फाबेट का जीमेल भी प्रोडक्ट है, तो अल्फाबेट ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है इंट्रिंसिक, और यह कंपनी क्या करेगी, औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो रोबोट बनाए जाएंगे उनका सॉफ्टवेयर विकसित करेगी। इंट्रिंसिक शब्द का मतलब होता है स्थानिक, लोकल। फिर है नौका, रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की। दरअसल नौका एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान, तो रूसी शब्द नौका का मतलब विज्ञान है। ये जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था ना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्कुल कंट्रोल के बाहर भी आ सकता था। वैसे पहले से वैज्ञानिकों को पता था क्योंकि बहुत बड़ा प्रयोगशाला इसमें जोड़ी गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी युक्ति है, नग्न आंखों से दिखती है ये। आप कहेंगे सर हमें तो कभी दिखी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में हमें इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि विषुवत रेखा पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन वाला क्षेत्र है वहां पर आपको दिखाई दे सकती है। मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ये एक बार में नहीं भेजी गई है, जो कल्पना चावला जी से लेकर कई सारे आप भारतीय, सुनीता विलियम जी के बारे में सुनते होंगे,
इसी के निर्माण काम में लगे हुए हैं, इसी की मरम्मत, इसी को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं और लगातार इसका विकास चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी युक्ति है, यहाँ पर 2-3 लोगों के रहने की जगह होती है। अभी भी अगर आप YouTube पर देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट लाइव दिखाया जा रहा होगा कि पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। तो ये हमेशा लाइव रहते हैं, आप 24 घंटे इनको लाइव देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है अंदर, किस तरीके की चीजें हो रही हैं। फिर है स्मार्ट सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO। स्मार्ट इज ए मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन फॉर फार बियॉन्ड टॉर्पीडो रेंज। टॉर्पीडो एक युक्ति होती है जो समुद्र मार्ग से दुश्मनों की मिसाइलों को रोकती है, लेकिन अगर टॉर्पीडो की रेंज से बाहर कोई मिसाइल है तो फिर उसके लिए स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो लाया गया है जो नौसेना को मदद करेगा किसी भी दुश्मन देश से भेजी गई मिसाइल से बचने के लिए। आपने गाजी अटैक मूवी देखी होगी, समझ जाना लगभग वैसी ही कोई बात है। शौर्य मिसाइल DRDO के द्वारा विकसित परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल, DRDO द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित है, सरफेस टू सरफेस टेक्टाइल मिसाइल है, ज्यादा लंबी दूरी नहीं है इसकी। के मिसाइल समूह सागरिका से सागरिका का ही एक तरीके से जमीन वाला वर्जन है। सबमरीन लॉन्च बेलास्टिक मिसाइल सागरिका का भूमि संस्करण है, मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर, परमाणु बम ले जा सकती है, ऐसे स्थानों पर रखा जा सकता है जहां इस पर दुश्मन की नजर न पड़ सके। उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इस मिसाइल का पता नहीं लगाया जा सकता। अस्त्र, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित अस्त्र, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब दिखती नहीं है ये, DRDO द्वारा विकसित 100 किलोमीटर, ठोस ईंधन प्रणोदक है इसमें, मतलब ठोस ईंधन का उपयोग किया गया है, नौसेना के लिए बनाई गई है। फिर है S-400 ट्रिम्प एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के द्वारा S-400 ट्रिम्प एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर आपत्ति। 2018 में भारत और रूस के मध्य रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद हेतु $5 अरब का समझौता हुआ। यह मिसाइल प्रणाली दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी भारत को नहीं बेचनी चाहिए थी क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी और अमेरिका जैसे दूध का धुला हुआ है, वो चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी या इसके जैसी से टेक्नोलॉजी मुझसे खरीदो। तो हमने रूस से खरीदी है तो उसको बहुत बड़ी आपत्ति थी। ये सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम है। जैसे आपने एयर डोम वाला नहीं सुना था, आयरन डोम एयर इजराइल का, उससे भी ज्यादा वेल डेवलप है, सतह से हवा में मार कर सकता है और काफी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों को भी खत्म कर सकता है। इस मिसाइल में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती, इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती है। रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बेलास्टिक मिसाइल और जमीनी लक्ष्य को भी निशाना बनाया जा सकता है। कोई क्रूज मिसाइल आ रही हो, बेलास्टिक मिसाइल आ रही हो, विमान आ रहे हो, सबको टारगेट कर सकती है। फिर है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमने 7 सैटेलाइट भेजे हैं पृथ्वी के जियो ऑर्बिटल में और सिंक्रोनस ऑर्बिटल में, 4 इसमें हैं और 3 यहां पर हैं, और ये सैटेलाइट लगभग भारत के अलावा उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक की रेंज का पूरा हमें मैप बता सकते हैं कि कहां पर क्या है, हमारे सैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया है। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के भाग के रूप में मान्यता, तो एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के भाग के रूप में मान्यता। भारत विश्व का 4th ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के तहत मान्यता प्राप्त की है। विश्व के कई देशों के पास, अमेरिका के पास रशिया के पास वैश्विक है, यूरोप के पास वैश्विक है, रीजनल 4 देशों, 4th भारत बन गया है जिसको ऐसी मान्यता मिली है। इसके अलावा अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है, चीन का बेईदाऊ है और यूरोप का गैलीलियो है। WWRNS एक प्रक्रिया है जिसके तहत नेविगेशन प्रणाली प्रदाता मान्यता के लिए अपनी प्रणाली प्रस्तुत करते हैं।
नई पीढ़ी की परम, फिर उसके बाद है अग्नि पी प्राइम। अग्नि पी प्राइम क्यों लाई गई है भैया? तो अग्नि वन और टू पुरानी हो गई थी, उसकी जगह पर एक नई लाई गई है। अग्नि वन और टू अब भारत से मतलब एक तरीके से खत्म कर दी जाएगी। अग्नि पी प्राइम नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि वर्ग का एक नई और उन्नत संस्करण है। मारक क्षमता 1000 से 2000, क्योंकि अग्नि वन और टू में सॉलिड प्रणोदक उपयोग किए गए थे, इसमें लिक्विड है। फिर है Landsat 9, हाल ही में नासा ने कैलिफोर्निया से एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया, Landsat 9। नासा और अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे का संयुक्त मिशन है। इस उपग्रह को नासा की आकाश में स्थित आंख के रूप में जाना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए है। थोड़ा सा याद रखिएगा, Landsat 9 एक ऐसा उपग्रह है जो नासा ने भेजा है, अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे भी इसमें मदद कर रहा है। इसे आकाश में स्थित आंख कह रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में मदद करेगा। फिर है इम्प्रिंट प्रोग्राम, भारत का जो नैनो मिशन था, ऐसे कई सारे मिशन थे। सारे मिशन को, क्योंकि 2012-13 में सरकार ने कहा कि अलग अलग मिशन में पैसा बहुत खर्च होता है, तो एक कंबाइन प्रोग्राम लाया गया इम्प्रिंट। इम्प्रिंट सेकंड चल रहा है इस समय। यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहते हैं, 2015 में शुरू की गई थी। भारत के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख इंजीनियर और प्रौद्योगिकी चुनौती के समाधान हेतु अनुसंधान के लिए खाका विकसित करने से संबंधित देश भर के IIT और IIS की संयुक्त पहल है। मतलब IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की संयुक्त पहल है। इम्प्रिंट मुख्यतः सामाजिक रूप से प्रासंगिक रिसर्च को महत्व प्रदान करेगा। मतलब हम उन क्षेत्रों में जो 10 चुने गए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन विषयों पर रिसर्च करेंगे जो मनुष्य से डायरेक्ट जुड़े हैं, जैसे जल प्रदूषण, जैसे कि जो अपशिष्ट है उनका निपटान। 10 विषय हैं इसके लिए, 10 विषय इम्प्रिंट सेकंड चल रहा है इस समय। फिर गगनयान के बारे में आपको पता है, वर्ष 2022 में होने वाला है ये। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्षयान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही मानव अंतरिक्षयान मिशन भेजे हैं। Chandrayaan-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 हमारा सबसे बेहतर और उन्नत है। इसमें रोवर भी था, इसमें ऑर्बिटल भी था, इसमें लैंडर भी था। कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त, तो हमारा जो ऑर्बिटल है वो तो काम कर रहा है, लेकिन बाकी में सफलता नहीं आई है। बाकी रोवर और लैंडर का नाम आपको ढूंढ लेना है। परसीवरेंस रोवर, हाल ही में नासा का परसीवरेंस रोवर मंगल पर उतरा है, फिर से नासा ने भेजा है। मिशन को मंगल ग्रह के भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझने और जीवन के प्राचीनतम संकेतकों की तलाश करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राचीनतम जीवन के साक्ष्यों का पता लगाना, भविष्य में रोबोट और मानव इन्वेंशन के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, परसीवरेंस रोवर, इसी ने हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था वहां पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। 5 अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, यूरोप और कनाडा के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। अंतरिक्ष स्टेशन एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो लंबी अवधि के लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में रहता है। यह अंतरिक्ष में एक बड़ी प्रयोगशाला की तरह है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को कई महीनों तक रिसर्च करने के लिए जगह उपलब्ध कराता है। आप यदि चित्र में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और यह अगर आप आपके पास नॉर्मल टेलीस्कोप भी हो तो आप इसको देख सकते हैं। भारत को राफेल विमानों की डिलीवरी, भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप। भारतीय वायुसेना में 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद अब इनकी संख्या 6 हो गई, क्योंकि एक आ गया था 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल, कई सारे मिसाइलें दाग सकता है, आकाश से जमीन और आकाश से आकाश दोनों में हमला कर सकता है, 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है,
2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल विमान स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है। स्टील टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि राफेल के ऊपर एक तरीके के गेंद नुमा संरचनाएं होती है तो राडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। राफेल अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। इसे हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। राफेल जेट मेटियार इसमें उपयोग की जाने वाली जो मिसाइल है स्केल्प और बीवीआर जैसे अति आधुनिक मिसाइल और हथियारों से लैस है। बाकी तो हमारे इंडियन मीडिया ने आपको इसके बारे में अद्भुत तरीके से वर्णन करके दिया होगा। लीगो लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी भौतिक की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला, विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण प्रयोगशाला है। लीगो का आरंभिक महत्व इस बात से कि इसके द्वारा गुरुत्वीय तरंगों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। इसी ने स्पष्ट करके प्रूफ करके दिखाया कि पृथ्वी पर भी गुरुत्वीय तरंगे हैं, जिसके बारे में आइंस्टीन ने पहली बार केवल जानकारी दी थी। इसे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से भी पुष्टि हुई है और भौतिकता में शोध के लिए एक प्रामाणिक आधार है। लीगो परियोजना के माध्यम से गुरुत्वीय तरंगों पर शोध कर ब्लैक होल तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्वीय तरंगों का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश होगा जहां लीगो की स्थापना, इससे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की साख बढ़ेगी। भारत भी बनाने वाला है। स्वयं अपने देश में लीगो की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिक गुरुत्वीय तरंगों को अच्छे समझ पाएंगे, जो आगे चलकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर सकता है और इसके लिए भारत की विदेश पर निर्भरता घटेगी। और अंतिम है सर्न, यूरोपियन फ्लोर रिसर्चर न्यूक्लियर या यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, कण भौतिकी की विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। इसी ने 2011-12 में वो प्रयोग किया था जिसमें गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, जिससे हमें पता चला कि द्रव्यमान के लिए कौन सा कण जिम्मेदार होता है। भारत इसका 2004 में पर्यवेक्षक देश था और 2017 में इसका एसोसिएट मेंबर बन गया है। अब इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊर्जा भौतिकी के संबंधित अनुसंधान करना, कण त्वरण या पार्टिकल फिजिक्स पर रिसर्च करना। भारतीय वैज्ञानिक सर्न में जाकर रिसर्च कर सकेंगे, सर्न से भी रिसर्च के आंकड़े भारतीयों को मिल पाएंगे तो भविष्य हमारे लिए बेहतर होगा। तो याद रखिएगा, इसका अंतिम रूप से रिविजन कर लीजिएगा। अभी हमारी फिर मुलाकात होगी, अभी एक और मुलाकात बाकी है रात 10 बजे। एटलीस्ट दो बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स PT365 सबसे ज्यादा मददगार होगा। तो रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक। रात 10 बजे मुलाकात फिर होगी। मार्कशीट जो टॉपर्स की है और हिंदी